गाइस, अब हम ये मैदा ले रहे हैं। हम मैदा इस कटोरी से मेजरमेंट करके लेंगे, लगभग 1.5 कप मैदा लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें डाला है। और इसमें अब थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच के हिसाब से रिफाइंड ऑयल, जो हम खाने में यूज करते हैं। और ये आटे को थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से गूंद लेने का है। गाइस, ये हमने डो बना लिया है मैदे का। इसमें हमने 2 चुटकी सॉल्ट नमक डाला है, और 1 स्पून के हिसाब से हमने मोहन के लिए तेल डाला है। और हमने पानी से अच्छे से इसे गूंद लिया है। ज़्यादा पतला नहीं, हमें ऐसा थिक ही बैटर बनाना है। देखो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसा। अभी हम इसे ढक के रखेंगे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने को। और हमने तवे पे मटर, हरे मटर जो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसको रोस्ट करके लिया है। और हरी मिर्च लिए है, और 2-3 लहसुन की कलियाँ इसमें रोस्ट करने को डाली है। और थोड़ा सा जीरा भी डाला है। इसके साथ हमने इसको अच्छे से भून लिया है। इस सीज़न में हरे मटर बहुत मिलते हैं, इसीलिए हम अब हरे मटर की कचौरी बना रहे हैं। हमने ये कुछ खजूर लिए हैं और थोड़ी इमली लिए है, और हम 2-3 हरी मिर्च लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो 2 ही हरी मिर्च डालें, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इमली के बीच निकल के इसे ले ले, नहीं तो ग्राइंडर में प्रॉब्लम हो जाता है पीसने में। और हम एक खजूर के बीज ऐसे दबा के निकाल देंगे, इसको पिल अप करेंगे। और बाद में हम इसकी थोड़ा सॉल्ट और थोड़ी, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसकी चटनी बनाएंगे हम मिक्सर में। मिक्सी के जार में हम ये जागरी यानी थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, 1 खजूर, इसके बीज निकाले हैं हमने। और टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्च डालेंगे, और इसका महीन पेस्ट बनाएंगे। हमें पानी ज़्यादा नहीं डालने का, लगभग 2 से 3 चम्मच छोटे चम्मच पानी डाल के हमें इसको महीन पेस्ट बनाने का है। ये हमने इमली और खजूर की चटनी बनाई है, और हम इसे निकालेंगे अभी बाउल में। अब इसको हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा, लगभग 1 चम्मच ऑयल का तड़का इसको बस हो जाता है। ऐसे भी अच्छी लगती है, लेकिन तड़का देने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी जार में हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और इसको थोड़ा सा पतला बनाएंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालने का। अगर आप ज़्यादा पतला नहीं चाहते तो हम डाल स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको देखो, ये कंसिस्टेंसी ऐसे हो गई है। अब हम तड़का लगाएंगे। हमने तड़के के तवे पे थोड़ा सा तेल डाला है। अब इस पे हम थोड़ा सा राई और जीरा डालेंगे हम इसमें। राई को अच्छे से चटकने देंगे, बाद में जीरा डालेंगे, और आप पसंद करते हो तो थोड़ा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया है। अब ये हम थोड़ा तड़के को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम चटनी में डालेंगे। हमने अब इस चटनी के अंदर तड़के को डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं लगभग 1/2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे, और ये हमारा इमली खजूर का चटनी रेडी हो गया है। इसे हमने महीन पेस्ट नहीं किया है, दर देखो इसका टेक्सचर देखो, हमने दर पीसा है मटर को।
ज़्यादा बारीक नहीं पीसने का। ऐसा हमने नींबू के थोड़ा सा कमा करके लुई लेके ऐसा चपटा बना दिया है पूरी की जैसा। और इसमें थोड़ा सा हम ये बैटर लेंगे और इसमें ऐसे फिल अप कर देंगे और इसको अच्छे से हम बंद कर लेंगे। हमें इसको बेलना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे अच्छे से बंद करके हमको से अच्छे से दबाना है और एक एक करके ऐसे कचौड़ी बनाते जाना है और साइड में रख देना है। बाद में हम सारी कचौड़ियाँ होने के बाद एक साथ तल लेंगे। कढ़ाई में तलने के लिए तेल डाला है, हम एक छोटी सी लोई डाल के देखेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए हमारा, फ्लेम को हमने लो कर दिया है। अब हम अच्छे से एक एक कचौड़ी डालेंगे इसमें और हम धीमे आंच पे ही तलेंगे, क्योंकि कचौड़ियाँ बाहर से पक जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है, इसीलिए हम लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से तल लेंगे। नीचे की साइड होने के बाद हम इसे पलट देंगे। हमें फ्लेम लो ही रखना है, हमें इसे आराम से तलना है। लगभग इससे 3 से 4 मिनट लगेंगे तलने के लिए। अब ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गई है और अच्छे से पक गई है। हमने इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे तल लिया है। ये बहुत क्रिस्पी और करारी हो गई, देख सकते हैं आप। चटनी के साथ इमली और खजूर की हमने चटनी बनाई, उसका ये दूसरी हमारी चटनी है। ये इसका वीडियो नहीं बनाया मैंने, बाद में आपको बना के दिखाती हूँ। ये नॉर्मल वो चना और खोबरे की चटनी है। देखो, गर्मा गर्म खाओ, इंजॉय करो और अपने अनुभव शेयर करो।